हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले व्हाट्सएप के न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले अपडेट का नाम बता देता हूँ, चैट लॉक, यानी आप किसी भी चैट को आप लॉक कर सकते हो। बट कैसे एंड इसका कितना बेनिफिट है एंड अपन को इसको कैसे यूज़ करना है, वो सब कुछ आपको एकदम लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ। अगर आपको सच्ची बात बताओ ना, तो काफ़ी अमेजिंग फीचर्स है। आप भी इस वीडियो को देख के बोलोगे भाई यार इस बार तो काफ़ी अच्छा अपडेट आया, तो आपको एकदम लाइव प्रूफ सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आज का ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो में डालता रहता हूँ। तो आज का ये वीडियो अपने आप बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना, अपडेट करने के बाद में आपको भी ये वाला फीचर्स देखने को मिल जाएगा। देखो हो सकता है कि अपडेट करने के बाद में आपको ये वाला फीचर्स नहीं मिले, बट आपको अपडेट कर लेना है एंड नेक्स्ट अपडेट का भी अपन को वेट कर लेना है। हो सकता है कि काफ़ी लोगों के पास में ये वाला चैट लॉक फीचर्स नहीं मिला हो एंड काफ़ी लोगों को मिल भी चुका है, तो थोड़ा सा अपन को वेट कर लेना, आपको भी ये वाला फीचर्स देखने को मिल जाएगा। जिनको मिल चुका उनके लिए भी अच्छी बात है एंड जिनको नहीं मिला उनको भी इस फीचर्स के बारे में ऑलरेडी आपको पहले से जान लेना, ताकि अपडेट आते आपको पता चल जाएगा। ओके, तो अपन मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड चैट लॉक के बारे में, इस फीचर्स के बारे में अपन जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि चैट लॉक का जो फीचर्स है वो अपन को कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपन चैट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, यानी आपको किसी की भी चैट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो नेम रहता है उसके पास में आपको कर देना है यहाँ पे क्लिक। ओके, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको इसको कर देना है स्क्रॉल डाउन। जैसे आप स्क्रॉल डाउन कर देते हो तो आपको यहाँ पे चैट लॉक का फीचर्स देखने को मिल जाएगा। ओके, तो अपन अब बात कर लेते इसको यूज़ करना कैसे है। तो सिंपल सी प्रोसेस है, सबसे पहले आपको यहाँ पे चैट लॉक के ऊपर आपको क्लिक कर देना, इसके बाद में आपको यहाँ पे एनेबल का ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एनेबल आपको कर देना है। तो यहाँ पे मैं एनेबल कर देता हूँ। इसके बाद में आपको फिंगरप्रिंट या फिर आपको जो फेस लॉक है वो आपको परमिशन दे दें। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट मैंने कर दिया। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आप व्यू के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, नहीं कैंसिल भी आप कर सकते हो। तो अपन अब बात कर लेते, जैसे मान लीजिए कोई भी चैट आपने अगर लॉक करी तो वो चैट जाएगी कहाँ पर, वो अपन बात कर लेते। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए अपने किसी भी चैट को अपन अचीव करते हैं, ठीक है, या फिर अर्काइव भी बोल सकते हैं उसको, वैसे मैं इसको अचीव बोलता हूँ। तो आप किसी भी चैट को जैसे अपन अचीव करते हैं तो अपन की जो चैट रहती है सबसे ऊपरी ऊपर शो करती है, तो सेम ऐसे यहाँ पे चैट लॉक की जो भी चैट रहती है वो अपन को ऊपर ही ऊपर शो करेगी। तो जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे लॉक चैट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये एनेबल कैसे होगी, जैसे आपने फिंगरप्रिंट लगाया फिर आप यहाँ पे फेस वॉक लगाओगे तब भी आपकी वो चैट यहाँ पे ओपन हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे मेरा फिंगरप्रिंट के लिए बोल रहा है, तो जैसे मैं फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ तो जो मेरी चैट लॉक है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओके, तो आपको पता चल गया। अपन अब बात कर लेते हैं कि वापस कोई भी चैट को अपन कैसे अनलॉक करें। तो सिंपल सी प्रोसेस है, बस आपको यहाँ पे आपको क्लिक कर देना चैट के ऊपर, देन आपको अपने नेम के पास में आपको क्लिक कर देना है, देन इसके बाद में इसको डाउन कर देना है, तो आपको चैट लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। तो आपको सिंपली कर देना यहाँ पे क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको इसको कर देना डिसेबल एंड आपको फिर से आपको यहाँ पे इसको फिंगरप्रिंट आपको परमिशन दे देनी है। ओके, एंड आपको कुछ कंडीशन भी बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपकी कोई भी चैट है तो अगर आप उसको अचीव करके रखे हो तो आपके पास में यहाँ पे चैट लॉक का जो भी फीचर्स वो काम नहीं करेगा। वो भी आपको एकदम लाइव प्रूफ समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, जैसे ये मेरी चैट है तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया एंड जैसे कि मान लीजिए इस चैट को जैसे मैंने अचीव कर दिया, तो जैसे कि मान लीजिए वापस में अचीव के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे चैट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड फिर से मेरे नेम के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं चैट को लॉक करने की अगर कोशिश करूँगा तो कोशिश आपकी नाकामयाब रहेगी, बिकॉज ये वाला जो फीचर्स है वो यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा। ये तभी काम करेगा जब आपकी जो भी चैट वो एकदम नॉर्मल रहेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ एंड यहाँ से बैक आ गया एंड जैसे कि अचीव है तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, वापस से मैंने इसको अन अचीव कर दिया, तभी वापस से यहाँ पे चैट लॉक का फीचर्स काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया फिर चैट के ऊपर आ गया तो वापस यहाँ पे एनेबल हो चुका है, तो वापस से आप चैट लॉक के इस फीचर्स को आप यूज कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अपन को चैट लॉक
टॉक है, इस फीचर्स को अपन को यूज़ करना। तो कहने मतलब यही है कि आप किसी भी चैट को अगर लो करते हो तो उसका उस चैट का मैसेज को भी देख नहीं सकता अगर आप परमिशन देते हो। जैसे आपने फिंगरप्रिंट लगा दिया, अपने फेस लॉक लगा दिया, तभी वो चैट ओपन हो पाएगी, यानी आपके अलावा आपकी चैटों को भी नहीं देख सकता। तो यार ये वाला फीचर्स एंड ये वाला अपडेट्स काफ़ी बेस्ट है। तो आज का ये वीडियो अपन यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा एंड आपको ये वाली अपडेट्स कैसे लगी, एंड इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। एंड चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन का भी ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो में डालता रहता हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं करा तो भाई जरूर फॉलो कर लेना, मैं भी इंस्टाग्राम के ऊपर डेली पोस्ट एंड रील्स वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो भाई को फॉलो कर सकते हो। एंड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, मैं आपको वहीं जिंदाबाद मिलूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।